नमस्कार दोस्तों, बीटेक एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे थ्रेसर का स्पीड बढ़ाना है या घटाना है तो कैसे उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि ट्रैक्टर का आरपीएम 2100 है और उसके ऊपर हमने 12 इंच की पुली चढ़ा रखा है जो इनपुट शाफ्ट है, और थ्रेसर पे हम कितने इंच की पुली लगाएं ताकि हमें 750 आरपीएम मिल सके। तो थ्रेसर का आरपीएम बढ़ाने के लिए कभी भी थ्रेसर के ऊपर जो पुली है अगर उसको छोटा करते हैं तो आरपीएम बढ़ता है, और जो इनपुट शाफ्ट जो ट्रैक्टर के शाफ्ट है उस पुली को हम बड़ा करेंगे और ऊपर वाला यानी थ्रेसर का पुली को हम छोटा करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है मायने वो रखता है। मान लीजिए ट्रैक्टर का आरपीएम है 1800 और उसके ऊपर आपने 10 इंच की पुली लगा रखा है, उसके बाद 750 आपको थ्रेसर का आरपीएम चाहिए, तो अब ऐसे में कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे जो पहला हमारे व्यूअर एक पूछे हैं उनका सवाल था कि हमें 2100 आरपीएम से आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम हमें 750 करना है, यानी इनपुट शाफ्ट होता है जो ट्रैक्टर का शाफ्ट होता है और आउटपुट शाफ्ट होता है जो थ्रेसर का शाफ्ट होता है, उसे हम आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। तो अब आउटपुट शाफ्ट का हमको आरपीएम घटाना है, यानी आउटपुट शाफ्ट को हमें 750 आरपीएम पे घुमाना है। उसके लिए जो उनका ट्रैक्टर का आरपीएम है वो 2100 है, यानी 2100 आरपीएम है, और उन्होंने 12 इंच की पुली चढ़ा रखा है उस शाफ्ट के ऊपर, यानी जो इनपुट शाफ्ट जो ट्रैक्टर से लिंक है थ्रेसर में, वहां पे नीचे के साइड में उन्होंने 12 इंच की पुली चढ़ा रखा है और वो बोल रहे हैं कि 750 आरपीएम मेरे को थ्रेसर का चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 2100 इंटू 12 डिवाइड बाई 750 बराबर 33.6 होता है, यानी 33.6 होता है। तो 33.6 यानी 33 इंच की पुली आपको थ्रेसर के मेन शाफ्ट के ऊपर चढ़ाना होगा। कहाँ? थ्रेसर के मेन शाफ्ट के ऊपर आपको 33 इंच की पुली लगाना होगा। उसके बाद मान लीजिए आपका ट्रैक्टर का इनपुट शाफ्ट का आरपीएम 1800 है और उसके बाद जो इनपुट शाफ्ट है उसके ऊपर आपने 10 इंच की पुली लगा रखा है और 700 आरपीएम चाहिए थ्रेसर का, तो अब ऐसे में कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1800 इंटू 10 डिवाइड बाई 750 करेंगे, 1800 इंटू 10 डिवाइड बाई 750 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 24 यानी 24 इंच। अब 24 इंच की पुली आपको थ्रेसर के शाफ्ट के ऊपर चढ़ाना तो आपको 750 आरपीएम मिल जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए ट्रैक्टर का आरपीएम 2100 था, अब उसके बाद आपने 1800 पर चलाना है तो साथ ही साथ आपका थ्रेसर का भी स्पीड कम होगा। अगर ट्रैक्टर से कम या ज्यादा करते हैं तो सिर्फ ट्रैक्टर का भी स्पीड घटेगा तो थ्रेसर का भी स्पीड घटेगा। ये फॉर्मूला उसके लिए है जहाँ पे आपको ट्रैक्टर का स्पीड कम या ज्यादा करना है और साथ ही साथ आपका जो थ्रेसर का आरपीएम है वो उतना ही पर बना रहे, मतलब उतना ही जितना स्पीड पर वो घूम रहा है उतना ही पर घूमना चाहिए। तो ऐसे में आपको इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होगा और आपको पुली को छोटा बड़ा करना है तो सेम इसी फॉर्मूला से आपको छोटा बड़ा पुली कर सकते हैं आपका थ्रेसर का स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए। तो मुझे पता होगा कि आप समझ गए होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जरूर बताएं।